हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम आवर चैनल गौरव लाभवर्ध। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में काफ़ी सारा चीज़ आपके साथ शेयर करना हूँ, काफ़ी सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा। जैसे डायरिया का ट्रीटमेंट किया था 2 जेपी 32 को मेरा, उसका रिजल्ट दिखाऊंगा आज, मतलब बात कैसे है, कैसा की हो रहा था और अभी कैसे है, वो सब उनका प्रोग्रेस दिखाऊंगा। और काफ़ी सारा फ्रेंड का काफ़ी सारा बार्स का प्रॉब्लम होता है, जैसे बुखार होता है, ठंड लग जाता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट मैं करता हूँ वो भी दिखाऊंगा। और कोई भी बार्स या चीक्स अगर इंजोर हो जाता है, मतलब उसका ब्लड निकल जाता है या किसी तरह से वो घायल हो जाता है, तो वो सब बार्स को मैं कैसे ट्रीटमेंट करता हूँ वो भी शेयर कराऊँगा। और एक रेनबो क्रिस्टल ले आया हूँ जिसका फैट हो गया है, फिर मतलब चर्बी हो गया है, तो फ्लाई नहीं कर पा रहा है और इस सिचुएशन में वो प्रोग्रेस भी नहीं कर पाएगा। लेकिन उसका अगर ट्रीटमेंट ठीक से करेंगे तो उसका फैट अगर लॉस हो जाएगा तो फिर से प्रोग्रेस कर सकेगा। तो बार्स को भी दिखाऊँगा और उसका मैं ट्रीटमेंट भी आपको दिखाऊँगा, मतलब ट्रीटमेंट बोलूँगा मैं आपको कैसे मैं ट्रीटमेंट करूँगा, क्योंकि वो सारा चीज़ अभी मैं ले आ नहीं पाया, तो सब दिखाऊँगा। और 3 PR फिंच लेके आया फिर, उसमें से एक गोल्डन फिंच है तो वो भी दिखाऊँगा। और एक गुड न्यूज़ है जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, तो बने रहे वीडियो के साथ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको साथ सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले ये 2 हगरोमो बच्चे को देख लीजिए जिनको डायरिया हो गया था, तो अभी ये बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक हो गया है। मैं आपको पकड़ के दिखाऊंगा और आज मैं इनको इनका केज में मतलब छोड़ दूंगा, जैसे केज में ये लोग था वो सब केज में छोड़ दूंगा। लेकिन अभी भी ये लोग का विटामिन का एक तो कोर्स कराना है, 3 दिन या 5 दिन का एक तो विटामिन का कोर्स कराऊंगा, A to Z जो मल्टीविटामिन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, A to Z मल्टीविटामिन 5 दिन इनका मैं कोर्स कराऊंगा, 3 से 5 दिन। तो ये लोग का जो वीकनेस है व कमजोरी है वो भी पूरा तरह से चला जाएगा। आपको शायद देख के पता चल रहा है बार्स पहले से एकदम ठीक है, पहले का सिचुएशन भी आपको साथ मैंने दिखाया था, अभी देखिए बार्स बिल्कुल ठीक है। अभी इनको मैं बड़ा केज में छोड़ दूंगा और इनका जो फिजिकल कितना फिट हुआ है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिर इसको पकड़ लिया हूँ तो देख लीजिए, एकदम पॉटी बिल्कुल ठीक हो गया है और इसका देखिए फिजिक्स भी एकदम ठीक हो गया है। अभी सॉफ्ट फूड टॉप फूड सभी दे रहा हूँ, आज भुट्टा जुट्टा दिया हूँ पूरा, देखिए जो सीना एकदम निकल गया था वो सीना भी ठीक हो गया है। और 3 दिन या 5 दिन विटामिन देने से ये बिल्कुल फिजिकली स्ट्रांग व फिजिकली फिट हो जाएगा। तो इसको इस केज में छोड़ देंगे, इस केज में था ये, देखिए अभी फ्लाई भी कर रहा है, अभी जल्दी दूसरे को पकड़ लेते हैं। तो फिर इसको पकड़ लिया, इसका भी देखिए कोई भी पॉटी का कोई ये नहीं है, ये भी एकदम बिल्कुल ठीक हो गया है। इसको भी बड़ा केज में छोड़ देंगे, तो एक केज में छोड़ देंगे फ्रेंड्स को, देखिए अभी अच्छा फ्लाई भी कर रहा है, इसका मतलब एकदम पूरा फिट हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर लूज मोशन हो जाता है तो आप इस साल अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो बाद आपका ठीक हो जाएगा और उसके बाद 3 से 5 दिन आप उनका विटामिन का एक तो कोर्स करा दीजिएगा तो बाद पूरा ठीक हो जाएगा। चलिए अभी केस्टेड जो रेनबो लेके आया हूँ जिसका फैट हो गया है, पहले उनको दिखाता हूँ और उसका क्या ट्रीटमेंट करने वाला हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये है रेनबो केस्टेड, ये फीमेल है, तो इसका देखिए पूरा फैट आ गया है जिसकी वजह से फ्लाई नहीं कर पा रहा है। तो इसका अभी ट्रीटमेंट क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो देखिए इसको मैं बड़ा केज में छोड़ दूंगा, देखिए फ्लाई भी नहीं कर पा रहा है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं बता चाहता हूँ कि बार्स को चर्बी या फैट क्यों आता है। काफ़ी सारे फ्रेंड्स सोचते हैं अगर बार्स को सॉफ्ट फूड दिया जाता है तो उससे चर्बी होता है व फैट होता है,
लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है भाई, ऐसा मेरा सेटअप पे कभी हुआ नहीं हूँ। मैं सारा साल अभी की इस सीजन में भी 7 दिन में सॉफ्ट फूड देता हूँ हर एक बार से, तो इससे फैट व चर्बी किसी भी बार्स का आया नहीं है मेरा सेटअप पे। मुझे जो लगता है बार्स का मेनली फैट आने का कारण होता है छोटा केज, क्योंकि जिस फ्रेंड के पास ये बार्स था वो काफ़ी छोटा केज में बार्स को ब्रीडिंग कराता था और वो फ्लाई एकदम ही नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से इसका फैट आया है। और पूरा सीजन ये प्रोग्रेस किया है तो मैक्सिमम टाइम ये हैच करता था या अपना चिक्स को खिलाता था, तो जिसकी वजह से फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होने वजह से इसका इस तरीके से फैट आया है। और फैट और एक चीज़ से आता है, वो जो ऑयली सीड होता है या हाई प्रोटीन जो होता है एक फूड, इस तरह का अगर खाना आप देंगे मतलब ज़्यादा देंगे तब बार्स को फैट हो सकता है, तो इसी दो वजह से इस बार्स को फैट हुआ है। तो इसका ट्रीटमेंट में जो करने वाला हूँ, एप्पल सीडर जो विनीगर है वो मैं ले आऊँगा और उसको जब मैं ट्रीटमेंट करूँगा तब ऐसे सेपरेट केज में उसको रखूँगा। सेपरेट केज में रख के पहले मैं इसको 5 दिन का कोर्स करूँगा, उसका पानी में एप्पल सीडर विनीगर जो है वो मैं ले आऊँगा आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तो मैं मतलब लेके नहीं आया, तो लेके जब आऊँगा तो उसको मैं 5 दिन मतलब वो एप्पल सीडर विनीगर को दूँगा पानी में, और उसका खाने में सिर्फ सीड रहेगा मतलब कंगनी सीड और उसके साथ धान जो पैडी होता है, पैडी भी मतलब फैट क्लियर करने के लिए बाचर भी कम करने का काफ़ी काम आता है, ये मेरा जानकारी में है फ्रेंड। तो मैं प्रैक्टिकली अभी करूँगा, इसको करके क्या रिजल्ट होता है उसका मैं आफ्टर 15 डेज आपका साथ में शेयर करूँगा, उसके बाद जाके मैं उसको ऐसे बड़ा केज में छोड़ूँगा। क्योंकि देखिए अगर एक केज भी बड़ा है फ्रेंड, 4 फुट का केज है, लेकिन इस केज में अगर मैं बार्स को रखूँगा ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ रखूँगा, लेकिन वो फ्लाई नहीं करेगा तो एक जगह पे चुपचाप बैठा रहेगा, क्योंकि उसको फ्लाई करना अभी आता नहीं है, तो वो बिना वजह अभी फ्लाई करेगा भी नहीं। क्योंकि जब उसको मैं ऐसा कॉलोनी में छोड़ूंगा काफ़ी सारा बार्स के जब उसको छोड़ूंगा तो वो दूसरा बार्स का डिस्टर्बेंस में वो फ्लाई करेगा, लेकिन फ्लाई करने के लिए पहले मुझे एप्पल सीडर विनीगर देखे उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जब उसका फैट थोड़ा लॉस होगा तभी वो फ्लाई कर सकेगा, और फ्लाई करते करते उसका पूरा जो फैट व चर्बी आया है वो क्लियर हो जाएगा और वो प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी तरह से पहले की तरह कर पाएगा। तो ठीक है, ये ट्रीटमेंट जब मैं करूँगा उसके बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाऊँगा। फिर अभी देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारा फ्रेंड्स का बार्स को अचानक से कभी कभी इंजोर हो जाता है, मतलब खून निकल जाता है आपस में मारपीट करने के लिए या किसी अगर चोट लगने के लिए कोई लेग इंजोर हो जाता है या खून निकल जाता है, इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं किस तरह ट्रीटमेंट करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। आइए तो फ्रेंड्स इस बात को देखिए, ये हगोरमो का इसका टे के नीचे इसका पाव आ गया था, तो देखिए अभी ठीक से और चल नहीं पा रहा है, फ्लाई तो कर रहा है, खाना पीना सब कर रहा है लेकिन फ्लाई नहीं कर पा रहा है और वो ठीक से हाथ भी नहीं पा रहा है, मतलब काफ़ी ख़राब कंडीशन था इसका, मतलब इतना जोर से उसको चोट लग गया था, खाना पीना भी छोड़ दिया था और काफ़ी इंजोर हो गया था। तो इसको मैंने ट्रीटमेंट किया है, अभी ठीक है धीरे धीरे और 2-4 दिन में ये पूरा तरह से ठीक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ए वाला लेग मतलब काफ़ी बुरा कंडीशन में हो गया था, ए लेग में कोई भी इसका मतलब स्ट्रेंथ नहीं था, तो एक पाव से ही खड़ा था बैठा जा रहा था और इसका दर्द से ये बिल्कुल काहिल था, खा पी रहा भी नहीं था। तो इसका मैंने क्या ट्रीटमेंट किया आपको मैं अभी बता रहा हूँ। ये जो होम्योपैथी मेडिसिन मैं लेकर आया था, एक आर्मी का जिसका पावर है 200 और ये भी आर्मी का है, ये मतलब लगाना का है और ये खाने का, तो ये तीन जो मतलब 3 या 4 करके दवाई मैं पानी में ले लेता था और ड्रॉपर्स से उसको दिन में 2 बार करके 2-3 ड्रॉप करके खिलाता था और उसका पाव में थोड़ा गर्म पानी में ये 4 या 5 ड्रॉप मैं देता था अन्नी का जो लगाना का है उससे उसका जो पाव है उसको मैं वॉश करता था या सेक करता था, इस तरह से वो ठीक हो गया। तो किसी भी बार्स का अगर ऐसे इंजरी होगा फ्रेंड्स तो आप ये अन्नी का जो गोली है ये पानी में मिला के उसको खिलाने से उसका अंदर से वो उसको रिकवर करेगा और बाहर का जो भी इंजुरी है इससे गर्म पानी से वॉश करेंगे, और काफ़ी अगर खून निकल जाता है काफ़ी इन्फेक्शन हो जाता है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये आन्नी का जेल है।
जब कोई की बात का बुरी तरह से खून निकल के उनका इन्फेक्शन हो जाता है तो मैं ये वॉश करने के बाद ये जेल लगा देता हूँ, तो दो तीन दिन में सूख जाता है और बार धीरे धीरे रिकवर कर जाता है। तो ये था फ्रेंड्स बार्स का इंजरी का ट्रीटमेंट। अभी आता हूँ फ्रेंड्स, बार्स का अगर भूखा हो जाता है मतलब वेदर चेंज होने से या टेम्परेचर फ्रैक्चर होने से बार्स को बुखार हो जाता है या उसको ठंड लग जाता है, तब भी देखेंगे बार गुमसुम होकर बैठा रहेगा अपना फेदा फुला के। तब पहले उनका बुखार हुआ कि नहीं उनको समझने के लिए आपको बार्स को पकड़ना पड़ेगा। तो बार्स को पकड़ने से आपको एक एक्स्ट्रा टेम्परेचर आपका हाथ में महसूस होगा, तब आप समझ जाएंगे कि बार्स को बुखार है। तो देखिए इधर आइए, इस तरह का प्रॉब्लम तो मुझे काफ़ी दिन हुआ नहीं है, लेकिन ये जो होगड़ों का बार्स देख रहे हैं इसका मतलब छः सात महीना पहले बुखार हो गया था फ्रेंड्स। तब इसका प्रोग्रेस चल रहा था, इसका बॉक्स में भी चिक्स था, लेकिन तब ठंड था, ठंड में इसका किसी तरह से इसका बुखार हो गया था। तो मैंने इसको एक दिन देखा, ये मतलब काँप रहा था और कुछ खा नहीं रहा था, अपना पैरों पे मुंह उठा के बैठा था, तो काफ़ी सीरियस कंडीशन हो गया था। तब मैंने उसको एकोनाइट, ये भी एक होम्योपैथी मेडिसिन है, ये एकोनाइट इसका 200 पावर है। अगर बार्स का इससे भी ज़्यादा अगर खराब कंडीशन में होगा तो आप 500, 300, 250 ऐसे पावर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली 200 पावर यूज़ करता हूँ। तो ये भी मैं एक मतलब स्पून में थोड़ा सा पानी लेके इसको 2 या 3 ड्रॉप दे देता हूँ और उसको ड्रॉपर में लेके डायरेक्ट मुँह में उसको खिला दिया था। तो 3 दिन उसको खिलाया, उसके बाद पूरा फिट है और अभी तक ब्लीडिंग कर रहे थे, आपका सामने रिजल्ट है बात को मैंने दिखाया। तो इस तरह से मैं ट्रीटमेंट किया था और जो ठंड आ रहा था उस टाइप को मैं कवर कर दिया था, या किसी भी ठंडी हवा या ठंडी भी उसको ना लगे। तो इस तरह से मैं कोई भी बार्स को बुखार और ठंड लग जाता है तो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस किया इसी वजह से क्योंकि काफ़ी सारा नया फ्रेंड्स है जो काफ़ी सारा व्हाट्सअप करते हैं, फ़ोन करते हैं, इस सीज़न में काफ़ी सारा फ्रेंड्स का बार्स को इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब काफ़ी सारा बार्स एक्सपायर कर रहा है इस सब वजह से, लूज मोशन, बुखार बोलिए, इंजरी बोलिए, इस तरह से मतलब बार्स एक्सपायर हो रहा है, खास करके लूज मोशन और डायरिया। तो देखिए डायरिया का ट्रीटमेंट तो मैंने आपको बता दिया और डायरिया का पहले भी क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको डिस्कस कर दिया, लेकिन मैं आज आपको साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि डायरिया या लूज मोशन बार्स को क्यों होता है, किस वजह से होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली डायरिया बार लूज मोशन बार्स को होता है हम लोग को लापरवाही का वजह से, क्योंकि हम लोग जो सीड ले आते हैं मार्केट से वो सीड हम लोग डायरेक्ट बार्स को दे देते हैं। जो मेन वजह है बार्स का लूज मोशन और डायरिया का, और उसी वजह से चिक्स भी एक्सपायर होता है फिर, क्योंकि सीड में काफ़ी सारा कचरा रहता है, गंदगी रहता है, जो सब फ्रेंड साफ करके देते हैं उनको पता है जो सीड में एक्चुअली सीड को छोड़ के ऐसा कोई कचरा व ऐसा कोई पाउडर नहीं है जो सीड जो बिजनेस करता है वो लोग उसको पाइल नहीं करता है व मिलावट नहीं करता है। मतलब मैं जब भी मैं सीड को साफ करता हूँ देखता हूँ जो मतलब ऐसा कोई कचरा नहीं है, ईट बाली मिट्टी धूल सब कुछ वो लोग उधर पाइल कर देते हैं, क्योंकि वो लोग का एक ही टारगेट रहता है अपना सीड को सेल करने का। वो सीड खा के आपका बास बीमार हो जाए, एक्सपायर कर जाए, उससे उनका कोई मतलब नहीं है। तो उनका बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा, हम लोग को ही केयर करना पड़ेगा। सीड को अच्छी तरह से झाड़ लीजिए, उसके बाद उसको धोइए, उसके बाद उसको सुखाइए, उसके बाद आप बार्स को प्रोवाइड कीजिए, तो देखेंगे बार्स को जो लूज मोशन डायरिया या इस तरह का जो प्रॉब्लम हो रहा है ये नहीं होगा। फिर किस तरह से सीड को देना चाहिए इसका भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ काफ़ी बार। तो उस तरह से अगर आप सीड देंगे आपका बार्स भी ठीक रहेगा, किसी तरह का मेडिसिन का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा और आपका चिक्स भी ग्रो अप करेगा। कोई गंदगी खाना खाते मतलब खाने के लिए आपका बार्स को लूज मोशन डायरिया हो रहा है और आपका चिक्स भी एक्सपायर कर रहा है, आप करके देखिए आपका बार्स का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। काफ़ी सारा फ्रेंड बोला काफ़ी सारा बार्स में एक्सपायर कर दिया, एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया था मेरा 100 रुपया बार्स एक्सपायर कर दिया, एक पीतम बोल के एक फ्रेंड है उन्होंने बोला था जो एल्बिनो का कॉकटेल था वो भी लूज मोशन करके एक्सपायर कर रहे हैं। सिर्फ दवाई देने से नहीं होगा फ्रेंड, उनको सीड या जो खाना खासकर जो वेजिटेबल आप देते हैं वो थोड़ा गर्म पानी में उसको वॉश करने के बाद आप उसको दीजिए, क्योंकि ग्रीन फूड में या शक पत्ता में कई तरह का पेस्टिसाइड होता है, केमिकल होता है जो सब्जी को ठीक रखने के लिए वो सब देते हैं। हम लोग क्या करते हैं वो आके पानी में धो के दे देते हैं, कभी कभी डायरेक्ट दे देते हैं, तो वो खाने से वो सब पेस्टिसाइड वो सब केमिकल उसका अंदर में जाता है और जहाँ से क्या होता है फिर तो आपको पता है। तो इसलिए गर्म पानी में
सिर्फ ठंड पानी से धोने से नहीं होगा, थोड़ा गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी में उसको भिगोइए तो उसका जो पेस्टिसाइड है केमिकल सब निकल जाएगा। उसके बाद वो वेजिटेबल बा ग्रीन फूड को आप धो के अपना बाथ को लीजिए, देखेंगे आपका बाथ हेल्थी जाएगा और कोई मतलब सी जाएगा बीमारी नहीं जाएगा। और एक चीज़ जो है वो है एक ट्रे, एक ट्रे को बाबा साहब जब रखते हैं वो ट्रे को अच्छी तरह साफ रखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स को मैंने देखा हूँ वो अपना साफ सफाई ठीक से नहीं करते थे, क्योंकि देखिए बांस को जब भूख लगता है या बांस कभी कभी एक कचरा भी खा लेता है, जैसे बच्चिस को मैंने देखा अपना पॉटी जब सूख जाता है और पॉटी भी वो लोग खा लेता है, कैसे गंदगी खाने से भी वो बांस लोग को इन्फेक्शन होता है और इसी वजह से डायरिया लूज मोशन हो जाता है और बांस एक्सपायर कर जाता है। तो दो चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप जो खाना उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो साफ सुथरा देना पड़ेगा और जहाँ उनको रख रहे हैं वो ट्रे को आपको सफाई रखना पड़ेगा, तो देखेंगे बात आपका ठीक जाएगा, कोई भी बात एक्सपायर नहीं करेगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा उसको आप ट्रीटमेंट कीजिए तो बात ठीक हो जाएगा। तो चलिए अभी दिखाते हैं जो ट्रिम किया हमें फिंच लेके आया हूँ उसको साथ दिखाते, मतलब फ्रेंड्स फिंच लेके आया और दिखाने के लिए आपको मतलब वो गुड न्यूज़ नहीं है उनके उसके साथ रिलेटेड एक गुड न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपको भी सुन के कभी अच्छा लगेगा। तो चलिए पहले फिंच को देख लेते हैं उसके बाद आपको गुड न्यूज़ देते हैं। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम मैंने फिंच लेके आया तीन प्यार, जिसमें से एक प्यार गोल्डन है गोल्डिना फिंच और दो प्यार जायंट फिंच है। तो फिंच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि एक फिंच मैं जहाँ से लेके आया एक बड़ा सा फार्म से, वो फार्म में मैं आपको नेक्स्ट वीक पे लेके जाऊंगा और वो फार्म का पूरा विजिट कराऊंगा और वो जो दादा है उनका साथ आप मतलब उनका एक इंटरव्यू भी लूँगा और उनका बाद सारा जो बार्स है उनका बारे में जितना भी नॉलेज है, मतलब 10 ईयर्स 10 साल से भैया बार्स को रख रहे हैं बार्स को पाल रहे हैं, तो ह्यूज एक्सपीरियंस ह्यूज नॉलेज वो गैदर कर चुके हैं, तो वो सब नॉलेज और एक्सपीरियंस आप सभी से मैं शेयर करूँगा। काफ़ी सारे फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था एक बड़ा सा फार्म को विजिट के लिए, तो फार्म को आपको विजिट तो करेंगे फ्रेंड्स, उसके साथ ये सारा बार्स का ट्रीटमेंट केयर केस साइज फीडिंग सब के बारे में मैं दादा से बात करूँगा और आप सभी से शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट वीक में जाऊँगा उनका फार्म में जहाँ से मैं फिंच लेकर आया हूँ, उनके पास और भी काफ़ी सारा बार्स है, फार्म है मतलब आपको समझ में आ रहा है काफ़ी सारा बार्स है उनके पास, जावा गोल्डन फिंच कुछ यूनिक टाइप का फिंच लव बर्ड कुनु इस तरह का मतलब काफ़ी सारा बार्स है जिनको आपको दिखाऊंगा और उनका सारा जो नॉलेज है मैं शेयर करूंगा। उनसे मेरा बात हो गया है और वो कभी मतलब उनको मैंने बोला था कि भैया आपका फार्म का अगर एक वीडियो बनाऊं और मेरा जो सबसे अगर फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर करूं तो आपका कोई एतराज है, तो उन्होंने मेरा प्रपोजल ग्लैडली एक्सेप्ट किया है और वो एक्चुअली कोलकाता लवबर्ड का सब्सक्राइबर भी है, वो वीडियो देखते हैं मेरा, तो उन्हें कभी खुश होकर बोला है आओ तुम मेरा जो जानकारी है मैं जरूर तुम्हारा व्यूअर सब्सक्राइबर का शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक में जाऊँगा, नेक्स्ट वीक में जाके आप सबको मैं इनको मतलब भी फार्म विजिट करूँगा और सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक में जाएंगे दादा का फार्म पे, लेकिन उनसे पहले मैं कल या परसों एक वीडियो बनाऊँगा डीवॉर्मिंग के बारे में, क्योंकि अभी एनी सीजन है, एनी सीजन में मैं अपना सिलक का डीवॉर्मिंग और मेडिसिन का कोर्स कराता हूँ। काफ़ी सारे फ्रेंड मतलब जानना चाहते हैं मैं किस तरीके से बात कौन सा मेडिसिन देते बात को डीवॉर्मिंग कराता हूँ और उसके बाद उनका मेडिसिन कराता हूँ। तो देखिए मेडिसिन रिलेटेड सारा जो मेडिसिन ये है बा डीवॉर्मिंग का जो दवाई है सब मैं लेके चला आया, तो मैं कल या परसों मैं एक वीडियो बनाऊँगा कम्प्लीटली बना के आपके साथ शेयर करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स वीडियो आज मतलब यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक करते हैं, सब कुछ बनाते हैं।